हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी वॉकिंग से। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अपने उसके बाद हमने शूज़ अपने चेंज किए, स्नीकर्स पहने और सोचा चलो आज वॉक करके आते हैं, क्योंकि सुबह सुबह क्लाउडी था। तो वॉक करने के लिए निकले, बहुत विंडी था, बहुत तेज़ हवा चल रही, आप लोग देख पा रहे होंगे, लग रहा था जैसे उड़ ही जाएंगे। तो थोड़ा आगे चले, थोड़ा आगे चलने के बाद एकदम से ना बारिश होने लगी, तो हमें फिर वापस आना पड़ा। और जाने से पहले पोहा बनाने की तैयारी करके गए थे, पोहा को वॉश कर लिया था, अनियन चॉप करके और सब तैयारी करके गए थे। तो लौट के आके फटाफट बस पोहा बना लिया, और ये रेड कलर की लहसुन की ड्राई चटनी है, वो भी हमने पोहा के ऊपर डाल दी थी, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता। और अभी हम शिमला मिर्च और आलू की सब्जी बनाने वाले हैं, तो इसको बनाने के लिए आज हम दूसरा तरीका अपनाने वाले हैं। इसके लिए हमने थोड़ा ऑलिव ऑयल लिया हुआ है, उसको पहले आलू को उसमें फ्राई करेंगे ऑयल में, और आलू को फ्राई करने के बाद फिर हम शिमला मिर्च को भी उसी में फ्राई करेंगे। ये आप लोग देख ही पा रहे होंगे, अच्छे से जब वो फ्राई हो जाते हैं, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, उसके बाद आप आलू को निकाल सकते हैं। और आप लोगों को आइडिया तो हो गई, अगर थोड़ा भी ऑयल घी एक्स्ट्रा डालो, यूज़ करो, तो सब्जी हो या कुछ भी मीठा हो, बहुत टेस्टी बनता है। आज हम थोड़ा ऑयल में ज़्यादा सब कुछ यूज़ करने वाले हैं। इसका कारण है क्योंकि आज हमने अपने छोटे भाई और उसकी फैमिली को डिनर पे इनवाइट किया है, उसी की तैयारी कर रहे हैं। सुबह का हमने लंच सिंपल कर लिया था, खिचड़ी बना ली थी लंच में और सुबह पोहा बना लिया था, तो इस तरह से लंच वगैरह सब हो चुका था। तो अब तो अराउंड 1 बजे के हमने अपना खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो लोग 4 बजे तक आने का उन लोगों का टाइम दिया था कि चाय भी साथ में ले लेंगे और खाना भी खा लेंगे। इस तरह से हमने अपना प्रिपरेशन तैयार कर दी थी टाइम से, क्योंकि 3 आइटम बनाने वाले थे, थोड़ा टाइम लगता ही, अकेले सब चॉपिंग भी करनी है, अकेले खाना बनाना है, अकेले ही सब करना है। तो इस तरह से हमने कर लिया। पनीर का हमें जैसे मटर पनीर है, शाही पनीर, ये सब नहीं बनाना था, तो हमने बड़े पनीर के टुकड़े काट लिए, इनको भी हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे ऑयल में, से थोड़ा और भी अलग लुक आ जाएगा और टेस्टी भी बहुत लगता है। तो बच्चों को इस तरह से पनीर भी खाने को मिल जाएगा। और पनीर को भी हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है, थोड़ा सा सफ़ेद, थोड़ा सा ब्राउन ही रखा हुआ है। और हमने शिमला मिर्च, आलू और पनीर सभी को हल्का हल्का फ्राई कर लिया था। और ये हमने अनियन को चॉप करके रखा हुआ है, तो ऑलिव ऑयल हमने लिया हुआ है, उसमें हमने प्याज डाला है, प्याज को थोड़ा हल्का ब्राउन होने तक सॉटे करते हैं। उसके बाद हम उसमें ये हींग डालेंगे, और इधर हमने हींग डालने के बाद प्याज को हल्की आंच पे छोड़ दिया था, और उधर हमने माइक्रोवेव में अपने लिए ग्रीन टी बनने को रख ली थी, तो वो आवाज आ रही थी ग्रीन टी रेडी हो गई है, तो बस हमने वो कप में लाके इधर रख ली। उसके बाद अब हम सब्जी में अपने सभी बेसिक मसाले डालेंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर, ये सब हमने डाल दिया है, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे सारे मसाले एक सार हो जाएं। बेसिक स्पाइसेस डाल दिए थे, तो मसाला थोड़ा हमें ड्राई लग रहा था, तो हमने उसमें थोड़ा पानी डाल दिया, जिससे कि मसाला सही से भुन जाए। उसके बाद हमने इसमें शिमला मिर्च, आलू ये सब डाल दिया, अभी पनीर हमने नहीं डाला, इसको मिक्स करेंगे। और इसमें हमने नमक डाल दिया थोड़ी सी, और रेड चिली पाउडर भी डाल दिया है, और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट भी डाला है। जी को थोड़ी देर चलाने के बाद इसमें हमने पनीर क्यूब सभी डाल दिया, और फिर हम इसको मिक्स करेंगे, और लिड लगा दिया है, जिससे कि वो मिक्स हो जाए सब अच्छे से, और लास्ट में हम इसमें लेमन जूस डालेंगे। और इस तरह से हमने ये वाली सब्जी रेडी कर ली है। अब हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल। इसके लिए हमने बिना लहसुन बिना प्याज वाला मसाला लिया है, मेरे पास रखा हुआ था, तो थोड़ा हमें अलग टेस्ट लाना था, तो इसके लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। हमने पूरा मसाला ले लिया है, उसमें जो भी मेजरमेंट था वो देख के, पानी हमें 200 ml लेके बोल में लेके उसमें मसाले को डाल के मिक्स करना था। मेरे पास मलाई रखी हुई थी, थोड़ी सी मलाई थी, तो हमने सोचा थोड़ा मलाई भी ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमने काजू का पेस्ट नहीं बनाया था, और थोड़ा सा रिच टेस्ट लाने के लिए हमने इसमें मलाई भी डाल दी है। ये देखिए पूरा मलाई जितनी भी थी वो पूरी हम यूज़ किए ले रहे हैं, तो इस तरह से हमने मसाले में मलाई यूज़ कर ली है। और इधर हमने कुछ मिक्स वेजिटेबल फ्रोजन ली हुई है, कुछ हमने जैसे कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली, ये हमने काट दिया है, को हमने ऑयल डाल के थोड़ी देर सॉटे करते हैं, जिससे थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो जाए सब्जी। और हमने दूसरे पैन में उनको निकाल लिया है। इसके बाद हमें अब मसाला भी तैयार किया हुआ है, उसको यूज़ करना है।
हमने इसके लिए ऑलिव ऑयल लिया हुआ है। ऑलिव ऑयल डालने के बाद जब वो गर्म हो जाए तो उसमें हींग डाल दिया है और हम उसको थोड़ा मिक्स करते हैं। फिर हमने टोमेटो पेस्ट एक चम्मच लेते हैं और टोमेटो पेस्ट थोड़ा थिक रहता है तो थोड़ा पानी डाल लेते हैं तो अच्छे से वो मिक्स हो जाता है। उसके बाद हमने ये ग्रेनुलेटेड गार्लिक पाउडर डाल रहे हैं तो उससे क्या है थोड़ा अच्छा टेस्ट आ जाएगा। इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद हम उसमें जो हमने मसाला तैयार किया हुआ था वो हम इसमें डालते हैं और इसको थोड़ी देर हम भूनेंगे जब तक कि उसका ऑयल मसाले से अलग ना दिखने लगे। उसके बाद हम उसमें जो हमने बॉईल की हुई सब्जी रखी हुई थी थोड़ा सॉटे करके रखी हुई थी वो हम मिक्स करेंगे, वो चलाएंगे, थोड़ा पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे। हमने इसमें नमक डाल दिया है और काला नमक भी डाल दिया है। ये सब्जी हम ग्रेवी वाली यूज़ करने वाले हैं इसलिए इसमें हमने पानी ज़्यादा डाल दिया है। लास्ट में हम इसमें गार्निशिंग के लिए कोर्स पीनट्स जो हमने किए हुए थे वो डाल देते हैं। अब हम बनाएंगे जीरा राइस। इसके लिए हमने ऑलिव ऑयल डाला हुआ है, उसमें हमने तेज़पत्ता और जो फूल की तरह जो स्पाइस दिखता है वो डाल दिया है। इसमें हम किशमिश डालेंगे, क्लोव्स डालेंगे, ये सब हमने डाल दिया है। और उसके बाद हमने 30 मिनट्स पहले बासमती राइस को धो के रख दिया था, ये 1.5 कटोरी हमने लिया हुआ था। में थोड़ा सा जीरा भी हमने पहले ही डाल दिया था और हम पानी इसमें दुगना डालते हैं। जैसे 1.5 कटोरी हमने राइस लिया है तो हम इसमें 3 कटोरी हमने पानी लिया हुआ है और लेमन जूस थोड़ा सा डाल दिया है। उसको चलाने के बाद फिर उसको हम ढक के पकने के लिए रख देंगे। इधर हमने डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स बोल स्पून्स वगैरह रख दिए हैं और एक हमने पत्ता गोभी मटर की भी सब्जी ड्राई सब्जी बनाई हुई थी। इस तरह से 3 सब्जियां हो गई थी और राइस हो गए थे और उसके साथ हमने पूड़ी भी बनाई थी ना। मेरा सब टाइम से तैयार हो गया था, हम लोग वेट कर रहे थे, चाय पी चुके थे, उन लोगों को लेट हो रहा था क्योंकि 2 छोटे छोटे बच्चे उनके साथ लेट हो जाता है। हम लोग आए थोड़ा लेट हो गया था तो हमने फिर बातचीत करने के बाद फिर खाना स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले बच्चों को खिला दिया था, हस्बैंड को और भाई को भी खाना खिला दिया था। फिर हमने बस अपनी भाभी को बोला चलो खाना खाते हैं तो को थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था क्योंकि हम वीडियो भी बना रहे थे, मतलब हर कोई कैमरा के आगे आने को उतना जल्दी तैयार नहीं होता है। बट उसने कहा दीदी थोड़ी देर बनाना, तो हमने उसको कन्विंस किया ओके थोड़ी देर ही बनाएंगे, डोंट वरी। तो फिर फाइनली हम उसको आपको दिखा पा रहे हैं। हम लोगों का बहुत टाइम से मिलने का नहीं हुआ था तो बस सोचा कि चलो बुला लेते हैं, मिल लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सभी लोग अपने काम में यहाँ बिजी रहते हैं, सबका जॉब है, सब अपना जॉब भी करते हैं। वीकेंड का ही होता है कि हम लोग फ्री होते हैं तो एक दूसरे से मिल लेते हैं, वो हम लोगों को बुला लेते हैं, कभी हम लोग उनको बुला लेते हैं, इस तरह से मिलना जुलना चलता रहता है। फिर फ्रेंड्स लोगों का भी मिलने का रहता है तो वो भी गैदरिंग हम लोग बीच बीच में करते रहते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपने बच्चों को रेस करते हैं तो अच्छा रहता है मिलना जुलना। भतीजा भतीजी दोनों अभी छोटे ही हैं तो उन दोनों से मिलके बहुत अच्छा लगता है। भतीजा तो मेरा भी बहुत छोटा है, 9 महीने का ही हुआ है। हम लोगों ने तो बहुत बातें की, एंजॉय किया। होप आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।